तो यहीं पे ही खाएंगे या एसी भी चालू की है। तो अभी रात के 7:30 बजे हैं और मैं रूम में आ गई हूँ। ये बार ऐसे लग रहा है टाइम बहुत बच गया है, हम घूम नहीं रहे ऐसा लग रहा है, लेकिन घूम के भी आए, बीच में कितनी देर टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छा लगा। अभी कितनी देर से नीचे भी बैठे हैं, ग्राउंड पे बातें कर रहे थे। फिर काजल को मैगी की भूख, ये भूखी मैगी बना रहा था, बोल रही मम्मी खुशबू आ रही है, मुझे मैगी खानी है। और वहाँ पर हम क्या खा के आए, मिसल पाव। बीच से आए तो मिसल पाव खाया, फिर यहाँ पे बोल रही अभी मैगी मंगाओ। मैगी मंगाई तो सही, यहाँ पे ना इतने मसाले नहीं डाल रहे, लेकिन अच्छा है खाना, इनके लिए बहुत अच्छा है। मिसल पाव में इतने स्पाइसेस थे, बहुत अच्छा लग रहा था खाना। वैसे तो ऐसी बात होती है ना, स्पाइसेस ज़्यादा हो तो हमें टेस्टी लगता है खाना, स्पाइसेस कम हो तो हमें लगता है अच्छा नहीं बना है। लेकिन एक्चुअली ये सही है इनके लिए, क्योंकि इनको इतने स्पाइसेस नहीं खाना है। लास्ट टाइम भी हम आए हैं इतने जने, लेकिन कोई भी बीमार नहीं होके गया। मम्मी को भी ऐसे सिंपल ही खाना है, इनको भी इसे सिंपल ही खाना है, मुझे भी ज़्यादा स्पाइसेस नहीं चलते हैं। कोई भी खाने की वजह से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बहुत अच्छे से खा के गए थे। और इतनी नीट एंड क्लीन रखते हैं, सफाई से खाना बनाते हैं, वही टाइम फ्रेश खाना बना रहे, जो बोलो वही टाइम पे रेडी करके उनको टाइम लगता है, क्योंकि ना वो फ्रेश खाना बना रहे। जिस टाइम पे हमने बोला आलू का पराठा चाहिए, उसी टाइम पे एक एक पका के दिया, बेल के आलू का पराठा फिर पका के दिया, इतने स्पाइसेस भी नहीं थे। और दही, मैं जहाँ पे भी खाती हूँ फर्स्ट टाइम ऐसे देखा है, दही खट्टी नहीं है, फ्रेश दही है यहाँ पे। तो दही तो मैंने खाई, मैंने वैक्सीन लगाई है, मुझे 10-12 दिन हो गए वैक्सीन लगा के, मैंने दही नहीं खाई है। आज जाके मैंने दही खाई है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। पेन किलर नहीं ली है, लास्ट टाइम पेन किलर ली थी तो मैं चल पा रही थी, तो अभी इतना थक गई, मैंने बोला इनको चलो रूम में एसी चालू करके रेस्ट कर रहे हैं। रूम है ही ऐसा, यहाँ से निकलने का मन ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे चल के रेस्ट कर रहे हैं, तो अभी रेस्ट कर रही हूँ। मैंने बोला खाना वगैरह मुझे ऊपर ही लेके आना, मुझे माजा चाहिए, ठंडा भी मैंने नहीं पिया है वैक्सीन के बाद, दही नहीं, ठंडा नहीं, नॉनवेज नहीं, कुछ भी नहीं। नॉनवेज भी बोल रहे हैं मैं लेके आऊँ, नॉनवेज बहुत मिल रहा है, देखते हैं नॉनवेज खाएंगे तो नॉनवेज, नहीं तो मैंने बोला नीचे कांदा भजिया और आलू के पकौड़े बहुत बन रहे थे, मस्त खुशबू आ रही थी। तो हमने तो मैगी मंगा ली, वो सिंपल थी, काजल को फिर पसंद नहीं है। मम्मी इससे अच्छा आप बनाते हैं घर में, मैं सुबह में नाश्ते में बनाती हूँ या इवनिंग में, ब्रेकफास्ट में सुबह में बनाती हूँ या इवनिंग में बनाऊँगी ना, तो दिल से खाती है काजल। ये थोड़ा फीका था, मैंने खाया ही नहीं, तो अभी रात में देखते हैं भजिया वगैरह पाव वगैरह खाएंगे और थोड़ी देर बैठ के टीवी देखेंगे, फिर मैं चेंज कर लूँगी। मैंने बहुत फोटोज़ निकाले हैं, बहुत वीडियोस निकाले हैं, बहुत इंस्टा पे तो ऐसे मैं पोस्ट करती जा रही हूँ, स्टोरीज़ वगैरह बहुत पोस्ट कर रही हूँ। लाइव भी आई मैं बीच से थोड़ी देर 5 मिनट के लिए, लेकिन ना इतना धूप थी वहाँ पे, बहुत सनलाइट थी भाई, कुछ पता ही नहीं चल रहा था स्क्रीन में सामने क्या हो रहा है, इतनी धूप थी वहाँ पे। मैंने ऐसे ही आई थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए ओनली, तो बहुत पोस्टिंग हो गई है, बहुत एंजॉय किया है। कल का दिन भी है, आज अभी रेस्ट करूँ तो मैं पेन किलर तो नहीं लूँगी, पैरासिटामोल ले रही हूँ, जैसे मैं कल घूम सकूँ, बहुत थक गई। और ये ड्रेस पे मेरे मेरे फोटोज़ बहुत मस्त आ रहे हैं, शॉर्ट में और ड्रेस में बहुत अच्छा मिल गया है, बहुत अच्छा। काजल का भी बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी ये बहुत अच्छा मिल गया, इतना महंगा भी नहीं मिला, 250 का मिला, ये मेरा 250 का, काजल का 250 का, और जो ये शॉर्ट लिया मैंने ये 400 का था, 300 ऐसा कुछ, 95 ऐसा कुछ मिला, तो ये भी बहुत अच्छी है। और अभी मैं थोड़ी मोटी भी हो गई हूँ, ब्लॉग वगैरह नहीं कर रही हूँ, शूट खाके खाके पूरा दिन घर में सो के रेस्ट करके मोटी हो गई हूँ, थोड़ा वेट बढ़ गया है लास्ट टाइम से, तो अभी मैं ब्लॉग कंटिन्यू रखूँगी। ये तो मेरे 1 वीक तो जाएंगे, कम से कम 5-6 दिन मेरा सीरीज़ का जाएगा, इसके बाद मैं भले छोटे छोटे थोड़े अपना फॉर्म में आऊँगी। बहुत गर्मी की वजह से मैंने ब्लॉग नहीं निकाले, कुछ नहीं कर पा रही थी, ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो गई। तो अभी 8:15 बजे हैं और मैं चेंज भी करके आई, मैं नहीं बोल रही थी मैं थक गई हूँ बहुत, मैं चेंज कर लूँ तो मुझे अच्छा लगेगा, हेयर वगैरह बना लिए, टाई कर लिए अच्छे से, नाइट सूट पहन लिया, चेंज हो गई, और खाना यहाँ पे ही लेके आ रहा है। अभी तो अपने लिए फ़िश लेके आए हैं, और काजल तो भुर्जी पाव खा रही है, मैंने कांदा भजिया खाना है, नीचे मैं सूंघ के आई हूँ, तो कांदा भजिया और पाव बोला है तो मेरे लिए लेने गए हैं नीचे ये,
तो यहीं पे ही खाएंगे, या तो बाहर जहाँ पे चाय पी ना वहाँ पे ही खाना लगा के खा रहे तीनों बैठ के साथ में और एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ का ना ये मुझे ऐसे इनको बोल रही हूँ, हमारा भी बेड ऐसा होना चाहिए, वाइट बेड शीट हो और ये कंफर्टर भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहीं पे ही खाएंगे, या तो बाहर जहाँ पे चाय पी ना वहाँ पे ही खाना लगा के खा रहे तीनों बैठ के साथ में और एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ का ना ये मुझे ऐसे इनको बोल रही हूँ, हमारा भी बेड ऐसा होना चाहिए, वाइट बेड शीट हो और ये कंफर्टर भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है ये कंफर्टर मुझे, बहुत देखो वाइट है, बहुत अच्छा लग रहा है पहनने में, एसी में तो ज़्यादा अच्छा है ये। तो ये पहन के मैं बैठी हूँ, तो इनको बोल रही हूँ ऐसे कंफर्टर घर के लिए भी लेके दो, ठंडियों में और बारिश में अच्छा है पहनने के लिए, या एसी भी जैसे चालू करते हैं तो ये वाइट वाइट पहनने में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है बेड पे बैठना, यहाँ पे ही पड़ी रहूँ ऐसा लग रहा है। सुबह में 12 बजे हमें चेकआउट भी करना है, तो उससे पहले 12 बजे से पहले ही अभी बोल रहे हैं चले चलेंगे। फिर 2 बीच जाना है हमें, काशिद और मुरद दोनों बीच देखना है। आज तो खाली नागाव एक ही देख के आए, थके हुए हैं बहुत, पेन किलर नहीं लिए, मेरी हालत ख़राब हो गई है, मेरी टांगे नहीं चल रही है। और वहाँ से सीधी चरके है ना, दो साइड है, एक तो बहुत बड़ी है, लास्ट टाइम भी आपके साथ शेयर की थी तो वहाँ से आई थी, अभी मैंने बाद में देखा हम लोग यहाँ पे चाय पी रहे थे, लोग यहाँ से आ रहे थे, फिर हमने पूछा भाई यहाँ से भी सीढ़ी है तो छोटी छोटी है बहुत, वहाँ से चलने में अच्छा रहेगा। पंचवटी रिसोर्ट जिनका है मेन, जिनका तो वो बोल रहे थे, जैसे मैं आई तो हमें पहचान लिया था उन्होंने, भाई आप लास्ट टाइम भी आए थे, दो फैमिली आए थे साथ में, मैंने बोला हाँ हम लास्ट टाइम भी होके गए हैं तो हम जल्दी जल्दी यहाँ पे आ रहे हैं। तो बोल रहे हैं भाई आप 15 दिन रखे, मेरी यहाँ पे लिफ्ट भी बन रही है, नेक्स्ट टाइम आज ये बार आप सीढ़ी चढ़ लो, नेक्स्ट टाइम आपको लिफ्ट मिल जाएगी, यहाँ पे लिफ्ट में आप ऊपर जाना। फिर मैं उनको मस्ती कर रही थी, मस्ती करके बोल रही थी, वो जो रिसोर्ट के जो मेन है जिनका रिसोर्ट है पंचवटी, मैंने बोला नेक्स्ट टाइम फिर ऐसा करना आप मुझे ऊपर दे देना सेकेंड फ्लोर पे, वहाँ पे जाऊँगी, इससे भी ऊपर और अच्छा लगेगा और बाहर से तो व्यू बहुत अच्छा है। मैं सुबह सुबह में उठ के आपके साथ व्यू भी शेयर करूँगी, बहुत अच्छा लग रहा है बाहर से व्यू, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी घर में ही रेस्ट करेंगे, खा के पी के आराम करूंगी, सो जाऊंगी और पैरासिटामोल लूंगी, बहुत हालत ख़राब हो गई है, चल ही नहीं पा रही थी बहुत, मेरी हालत ख़राब हो गई। और तो इतने मैंने पूरा दिन मेरा और काजल का वीडियो स्टोरीज पोस्ट करने में हो गया है, पूरा दिन गया है ऐसा। तो अभी आए हबी तो खाना खा लेते हैं। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. You fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. तो अभी 9 बजे हैं और खाना भी हो गया, एंजॉय किया खाना खा के बाहर। ये रूम के साइड ही जो पैसेज है रूम के सामने ही, तो वहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, बैठ के खाना खाए, चाय वगैरह पिए,
तो अच्छा लग रहा है। अभी बस सोने की तैयारी करेंगे, चेंज तो किया है, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। जब से मैं बैठी ही बैठी हूँ ऊपर आके तो अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, पर तभी भी पेन हो रहा है थोड़ा पैरों में। पैरासिटामोल ले रही हूँ, जैसे फिर सुबह में और मैं चल पाऊँ, दो बीच घूमना है। और तो आज तो मैंने इतना एंजॉय किया है, बहुत एंजॉय किया है। अभी बहन का वीडियो कॉलिंग भी आया, उसको भी दिखाया पूरा बेडरूम, बहुत इस बार बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत एंजॉय किया है, खुल के एंजॉय किया है। और रेस्ट भी बहुत हुई है, लग रहा है ऐसे, मैं उनको बोल रही कम घूमे हैं क्या हम, ऐसा क्यों लग रहा है, टाइम बच रहा है, बच रहा है टाइम, ऐसा क्यों हो रहा है। और यहाँ पे अभी एसी भी चालू की है और फैन भी, एसी और फैन दोनों चालू करके बैठे हैं, ठंड करके पूरे रूम में ठंड कर दिए, इतनी गर्मी हो रही है इनको, संभालो। और बाहर का नजारा इस टाइम पे देखो कैसा लग रहा है, देखो कितना अंधेरा लग रहा है ना, बहुत। ये रात के 9 बजे हैं हमारे उल्लासनगर में, 9 बजे तो ऐसा लगता है इवनिंग के 6 बजे हैं। कितना अंधेरा हो चुका है, पूरा फुल टोटली। ये पूरा है भी ऐसे ना ओपन, पूरा ये स्लाइडिंग पूरी ओपन है ऊपर से लेके, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है स्लाइडिंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन।